दोस्तों सच कहें ना, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि यात्राएं भी तभी खूबसूरत लगती हैं जब आपकी लाइफ में जब थोड़ा सा चेंज चाहिए हो आपको, अदरवाइज़ लगातार काम करते रहो तो वो भी बड़ा ही हैट्रिक हो जाता है, और लगातार घूमते रहो तो ऑफकोर्स पैसे तो बहुत सारे खर्च होते ही हैं, लेकिन आपको घूमने के लिए भी तो कुछ करना होता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप पूरी तरह से रिफ़्रेश हो जाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस रिफ़्रेश होने के साथ बहुत खूबसूरत सी तस्वीरें और यादें अगर अपने साथ ले जाते हैं ना, तो वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो वही हो रहा है हमारे साथ। और वो देखिए माता वैष्णो देवी का जो भवन देखिए, कितनी खूबसूरत सी पहाड़ी लग रही है, और यहाँ हर दो मिनट में आपको हेलीकॉप्टर यहाँ से वहाँ जाते हुए दिखाई देंगे। इतने हेलीकॉप्टर मैंने एक साथ, अगर ये देखिए बहुत ही करीब होते हैं ये हमारे, और बिल्कुल सर के ऊपर से ही निकलते हैं कंटिन्यू। ऐसा लगता है किसी मिलिट्री एरिया में हम आ चुके हैं और वहीं पर हों। थोड़ा सा और आइए, मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि बस हम चलने ही वाले हैं। और दोस्तों जितना यहाँ पर जाते हुए हमें अच्छा लग रहा है, उससे कई ज़्यादा खुशी देखिए आने वालों को होती है। और अभी यहाँ पर एक ट्रेन आई है, और आप लोगों की कतारें देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हर रोज़ यहाँ पर आते हैं। और ये कटरा स्टेशन अभी अभी बना हुआ है कुछ ही टाइम पहले, लेकिन इसे इतने खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हाँ, एक अद्भुत नज़ारा है देखने लायक बिल्कुल यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि आपका वैष्णो देवी तो छोड़िए, स्टेशन से जाने का मन ही नहीं करेगा, और हम सब लोग बहुत खुश हैं, खासतौर पर बच्चे बहुत खुश हैं, और छोटे छोटे से बच्चों ने भी पूरी यात्रा जो है वो पैदल की और बिल्कुल नहीं थके। और बस हमारी ट्रेन का सिग्नल जो है वो होने ही वाला है, तो ऐसा ना हो कि हमें भागते हुए ट्रेन पकड़नी पड़े जस्ट लाइक सिमरन, क्योंकि कोई शाहरुख खान हाथ नहीं देने वाला है मुझे, मुझे खुद ही लटकते हुए पकड़नी पड़ेगी और मार पड़ेगी मम्मी डैडी की, वो अलग। इसलिए मैं धीरे धीरे आपको दिखाती भी जाती हूँ, और अगर रास्ते में कुछ साइट सीन मिले तो वो मैं आपके लिए ज़रूर कवर करूँगी, क्योंकि हमारा यहाँ से लौटने का मकसद ट्रेन से सिर्फ यही था कि जो रास्ते के साइट सीन है उन्हें हमें देखना था, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी कि वो सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की हम लोगों ने। ओह, ये ट्रेन आगे पीछे क्यों हो रही है? तो वो मैं, मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइमिंग तो 8:35 की है, ये ट्रेन आगे पीछे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? तो हम उसको, दोस्तों अगर हो सका तो रास्ते में मैं आपको जम्मू के और सारी शहर जो फेमस जगह है वो कवर करके दिखाऊंगी, और कुछ अगर फ़नी से इंसिडेंट मुझे मिले, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, खासतौर पर पंजाबी मुझे बहुत मज़ा आता है, ओए तुसी की कर रहा, तो जो है वो ये सारे सीन भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिलहाल जो है वो ट्रेन का सिग्नल बस हो ही चुका है, एक अभी जस्ट बोगी को आगे पीछे किया गया, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, हमें लगा कि अब हम कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि चलती ट्रेन में तो हम चढ़ ही नहीं पाते। तो बस अब हम अंदर बैठ रहे हैं, और जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा और अगर साइट सीन मुझे मिलते हैं तो ठीक है, मैं वो आपके लिए लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ प्लीज़ आप इस वीडियो को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, स्टे विद अस। और यहाँ आने के बाद लिटरली एक ही गाना जहन में आ रहा है, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साजना। और देखिए थोड़ा सा पीछे का व्यू भी ले, मेरी कैमरा मैन हम पहुँच रहे हैं, और मेरा मकसद है आप इस वीडियो को देखकर कम से कम यहाँ आने का मन ज़रूर बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा, और कोशिश करें कि कटरा तक जो है वो आप ट्रेन से ही आए, क्योंकि रास्ते का जो व्यू है वो इतना खूबसूरत है कि एक एक आपकी जो जर्नी है ना वो ये कहना चाहिए एक टूरिस्ट प्लेस आपका आने में ही कवर हो जाता है साइट सीन के ज़रिए। कहाँ चलना है बेटा? दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अगर कुछ खूबसूरत से साइट सीन मिले तो ज़रूर कवर करूँगी, और बिल्कुल बहुत ही प्यारे से घर बिल्कुल रेलवे ट्रैक के दोनों ओर, और यहाँ पर वही ढलान नुमा खेती होती है, और ढलान नुमा खेती तो आप जानते ही हैं, और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब कोई गीतकार कोई गीत लिखता होगा तो वो एक बार शायद यहाँ ज़रूर आया होगा, तभी उसने ये बहुत सारे गीत लिखे होंगे। और यहाँ पे इतनी सारी टनल है, इतनी सारी टनल है कि गाड़ी बस 5 मिनट चलती है, और देन उसके बाद टनल में एंटर हो जाती है, और टनल के अंदर एंटर होने के बाद 1.5 से 2-3 मिनट तक टनल से बाहर ही नहीं आती है,
और मैं बहुत ज़्यादा सर्च करके नहीं बैठी थी इस एरिया के बारे में, और कुछ सर्च कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ आने के बाद जो है वो मोबाइल नेटवर्क चले ही जाते हैं। जैसे ही आप जम्मू की सीमा में आते हैं सिर्फ पोस्ट पैड सिम काम करती है, प्रीपेड सिम तो यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाती हैं आपकी। और कुछ और साइट सीन आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप बने रहिएगा। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों से मौसम बेहिसाब बेतरतीब है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। दोस्तों जब भी ट्रेन की गेट पे खड़े हो ना तो सारे वो गाने याद आते हैं। तो देखिए नीचे बहुत ही प्यारा सा झरना बह रहा है, और अगर मेरी कैमरामैन आपको दिखा पाए तो बहुत ही खूबसूरत सा ठंडे पानी का झरना बह रहा है यहाँ पर। और ट्रेन के सारे गाने मुझे हमेशा याद आते हैं, तो वो वाला गीत भी मुझे आज याद आ रहा है। मिल जाओ तुम मिल जाए दुनिया, और ना कुछ चाहूँ मैं, यूँ तो हम सब कुछ मेरा है, और ना कुछ जानू मैं, प्यार तेरा है इस तरह में खबर, सजर दिल तुझ करता है सलामिया, अरसिया। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 5 मिनट ट्रेन चलती है, देन उसके बाद एक टनल आ जाती है, और बहुत सारी चट्टानों को काटते हुए ये ट्रैक बनाया गया। और देखिए दोबारा टनल आ गई है, और इस कदर अंधेरा हो जाता है कि अगर पेंट्री कार हमारे जो है कोच के बिल्कुल पास में है, और धुआं ही धुआं हो रहा है और अंधेरा ही अंधेरा बिल्कुल। लेकिन टनल का भी अपना ही मज़ा है ना। हमारी भी जो है वो कोविड के बाद तकरीबन पहली यात्रा है, और मैं आलम दिखाती हूँ आपको, आइए अंदर आइए। कि अब ज़्यादातर लोग कोविड से डरते नहीं हैं, एक्चुअली लोगों को इतना डर नहीं है यहाँ पर। ज़रूर मंदिर में आपको कंटिन्यू जो है वो लगेगा, लगेगा मास्क लगेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग ऐसे डरते नहीं हैं कोविड को लेकर। आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए, और अब यहाँ बैठ के आप बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, और थोड़ी ही देर बाद बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे दोबारा हमारे सामने होते हैं। फ़िलहाल हम इस टनल से गुजर रहे हैं जो कि करीबन 5 मिनट तक तो हमारे साथ रहने वाली है, तो जुड़े रहिए। कोविड के बाद हमारी ये पहली यात्रा है, और देन मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि लोगों में अब उतना ज़्यादा डर नहीं है, लोग आराम से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। और यूँ तो ट्रेन से मैं भी कई बार सफ़र करती हूँ, लेकिन जितना मज़ा मुझे, और हम जो है वो किसी प्लेटफॉर्म तक या किसी स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, और शायद ये उधमपुर स्टेशन है। बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है, और जब खूबसूरत वादियों के बीच में जब कोई स्टेशन होता है तो वो बहुत अच्छा लगता ही है। यात्राएं तो सभी लोग बहुत सारी करते हैं, हम भी बहुत सारी यात्राएं करते हैं, लेकिन जब हमारी ट्रेन जम्मू कश्मीर एंड केरल और उत्तरांचल के पहाड़ों के बीच में से, या फिर नदियों के या सागरों के बीच में होती है ना, तब उसके बात ही, तब उसकी बात ही कुछ और होती है। ये देखिए कोहरे के बीच में से झांकते हुए सूरज चाचू जो है वो हमें हेलो बोलने आते हैं, यहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों ये उधमपुर जो है वो स्टेशन है, और आप स्टेशन देखिए, बिल्कुल नेचुरल लुक लिए हुए आपको यहाँ पर स्टेशन नज़र आएगा, और आप देखिए
कितने खूबसूरत ना, कोई आर्टिफिशियल इसको डिज़ाइन किया गया है, सब कुछ नेचुरल नेचुरल नेचुरल। बीच में आराम से आपको स्टे करना है तो ये यहाँ पर ट्रीज बने हुए हैं। कितनी खूबसूरत जगह है, हर स्टॉप आपको अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस की तरह नज़र आएगा। ये देखिए, और ऊधमपुर ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसका ज़िक्र ज़्यादातर हम हिस्ट्री में पढ़ते आए थे और मैं पहली बार इस जगह को देख रही हूँ। हमारा तो मन करता था कि हर जगह पर एक दिन रुक लिया जाए, स्टे कर लिया जाए, देन फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाई जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल तो उन यात्रा से ज़्यादा खूबसूरत तो ये जर्नी हो रही है हमारी। और हर जगह 2 से 3 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज। और सफाई देखिए आप, कंटिन्यू, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर झाड़ू या पोछा लगाया जाए। यहाँ पर तो हालांकि डस्टिंग टाइप की कोई प्लेस भी नहीं है, लेकिन बेहद बेहद खूबसूरत स्टेशन। ये देखिए, पकड़िए आप, थोड़ा सा मुझे लीजिए, कैसा लग रहा है? और हम यहाँ के बहुत खुश हैं, और बस डर यही लगता है कि सिग्नल ना मिल जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मुझे थोड़ा सा डर लगता है चलती हुई ट्रेन में। तो बस जैसे ही सीटी बजेगी और हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, चलिए मिलते हैं आगे वाले स्टेशन पे। और दोस्तों देखिए, बहुत प्यारी सी नदी बह रही है। मुझे नहीं पता ये कौन सी नदी है, लेकिन बेहद खूबसूरत है। और मैं बस बार बार अंदर जाती हूँ, फिर बाहर आ जाती हूँ। ये जम्मू एंड कश्मीर के नज़ारे हैं। कश्मीर है, ये कश्मीर है। ये पता नहीं कौन सी जगह है, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। बहुत सारे पावर एक्सटेंशन यहाँ पर बने हुए हैं। एक तरफ पहाड़ है, नीचे से पता नहीं कौन सी नदी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और कुछ काम भी चल रहा है नीचे। और दोस्तों हम लोग जो है वो कटरा से चलते चलते फ़िलहाल जम्मू आ चुके हैं। जम्मू तवी का ये स्टेशन है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैं कल रात को भी नहीं सोई थी, सुबह भी मैंने रेस्ट नहीं किया था, पूरे दिन हम यात्रा करते रहे। देन अब जम्मू आने के बाद मुझे भयंकर जो है वो नींद आ रही है, और अब मैं सोने जा रही हूँ। तो बस अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और अगर कुछ अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ एक बार आप भी यहाँ का टूर ज़रूर बनाइएगा, और अगर कुछ अच्छा ना भी लगा हो तो वहीं से नमन कर लीजिएगा माता वैष्णो देवी को। और हमारी ये यात्रा अच्छी रही, आपकी दुआओं की वजह से अच्छी रही। तो प्लीज़ जय हिंद, जय भारत, और जय माता वैष्णो की। और हाँ, एक मिनट कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।